नमस्ते। आज 5 बजे के इस शो में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला नहीं होके और दो महारथियों के साथ में हूँ। तो वो इस कारण से है क्योंकि ये जो विषय था ये आज ही लेना आवश्यक था। चारों तरफ जोर शोर से चर्चा चल रही। नीरज जी तो इस विषय के स्पेशलिस्ट ही हैं, उन्होंने एनसीईआरटी पर अच्छा शोध कर रखा है और हमारे साथ जुड़ गए नीरज अत्री जी और तुफैल चतुर्वेदी जी। दोनों ही आप लोगों का स्वागत है। तो नमस्ते। हम ये एनसीईआरटी आपका विषय है, नीरज जी आपसे ही शुरू करता हूँ। जी ये जो आजकल अचानक की बातचीत आ गई जिस पे लोगों ने, वैसे तो सबसे पहले आरटीआई आपने ही लगाई थी, लेकिन अभी किसी ने आरटीआई लगाई एनसीईआरटी में, जिसमें एनसीईआरटी ने ये कहा कि साहब मुगलों ने नहीं, औरंगजेब ने, औरंगजेब बड़ा दयालु था, औरंगजेब ने कुछ मंदिरों का जो मंदिर वंदिर तोड़े तो वो राजनीतिक कारणों से तोड़े। आपने सुना होगा कि साहब की वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो थोड़ा, वो रिचर्ड ईटन कहता है आके कि साहब की वो तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ही उनको बुलाया था कि साहब यहाँ पे बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आप इसको तोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर आपने मथुरा के बारे में भी इस तरह की बातें, रिचर्ड ईटन है, वेंडी डोनेगर है, आजकल एक ये नई लड़की है ऑड्रे टूश के बहुत उछल रही है, जो किसी सवाल का जवाब देने में विश्वास नहीं रखती लेकिन हाँ कुछ न कुछ कहती रहती है। तो ये जो विमर्श चल रहा है वो उसके सामने जो औरंगजेब के फरमान हैं, जैसे 1669 में जो औरंगजेब का फरमान जारी हुआ था अप्रैल में, जिसके बाद इस सारे मंदिर तोड़े गए, काशी विश्वनाथ पहले तोड़ा गया और उसके बाद फिर अपना डेरा केशव राय तोड़ा गया मथुरा का, जो सोमनाथ का नया निर्माण हुआ था वो तोड़ा गया और असंख्य मंदिर तोड़े गए। बल्कि मैं तो आपसे पहले लेके, और उसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा ये मैं लेके बैठा हुआ, सीताराम जी गोयल की किताब, ये हिंदू टेम्पल्स हाँ जी हाँ वगैरह, जी और इसमें पूरा विवरण है 2000 मंदिरों का और उसमें से लगभग 500 जो है वो औरंगजेब के नाम आराम से लिखे जा सकते हैं। खैर, पहले तो हम एनसीईआरटी और उसके इस विमर्श पे आ जाते हैं। नीरज जी, जी जो एनसीईआरटी का विमर्श ये मंदिरों के तोड़ने पर है, उसमें उन्होंने कहीं पर भी औरंगजेब को की डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उन्होंने उसका वो वाला पोर्शन तो एकदम डिलीट कर दिया है, वो इसको रेफर ही नहीं करते। जहां पे रेफरेंस आती है दो जगह है, एक 7वीं क्लास में और एक 12वीं क्लास में। 7वीं क्लास में जो टॉपिक है व्हाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, वो स्पेशली उन्होंने टाइटल बनाया है इसका, और उसमें फिर वो बताते हैं कि जो टेम्पल डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे उसमें 3 पैराग्राफ हैं एनसीईआरटी में 7वीं क्लास में, जिसमें पहले जो 2 पैराग्राफ हैं वो ये बताते हैं कि कोई हिंदू राजा बौद्ध राजा के वहां श्रीलंका में हमला करता है और वहां से मूर्ति उठा के अपने यहाँ ले आता है। फिर वो बौद्ध राजा जब उसका अगला उत्तराधिकारी आता है, फिर वो वापस आता है और वहां से वो लेके आता है और उनको रख देता है। और उसमें उन्होंने सिर्फ वर्ड प्ले किया है, जैसे वो कहते हैं हियर इज एन इनकम्प्लीट लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट ही टुक, तो उसमें उन्होंने कई मूर्तियों का उल्लेख किया है। और फिर छोटा सा नीचे डाल देते हैं कि जो महमूद सॉरी हाँ जो महमूद गजनवी था उसने भी कुछ मंदिरों को अपवित्र किया था, तोड़ने की बात वहां भी नहीं की उन्होंने। तो ये जो मैं बार बार कहता हूँ अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ट्रिक है, जिसे प्राइमेसी इफेक्ट कहा जाता है, और स्पेशली ये काम करता है जो टीन एजर्स या उनसे कम आयु के लोग होते हैं, कि जब आप उनको इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनका ब्रेन इस तरह से काम करता है कि पहले वाली इंफॉर्मेशन जिसे प्राइमेसी कहा जाता है उसको वो ज्यादा ग्रैब करता है, ज्यादा ग्रास्प करता है, और बाद वाली इंफॉर्मेशन को वो उतना ज्यादा रिटेंशन मेमोरी में नहीं लेके आता। और जो 12वीं क्लास में जिसमें वो बच्चे ने आरटी लगाई थी, जिसपे ये आजकल जो विवाद चल रहा है, उसमें उनका कहना है कि ये जो मुगल थे वो तो बड़े बेनेवोलेंट थे और उनका नाम दिया जा नाम तो यूं ही खराब कर देते हैं, वास्तविकता यह है कि उन्होंने तो ग्रांट्स दिए थे मंदिरों को, और इसमें अकबर और औरंगजेब दोनों इंक्लूडेड हैं। ये एनसीईआरटी का जो नैरेटिव है, जो विमर्श है, वो यही है।
और जो आपने ये रिचर्ड ईटन की और ऑड्री ट्रस्टी की बात की है, इन दोनों को अगर हम सुने तो ये मेरे पास अभी था एक, इन्होंने द हिंदू वालों ने एक प्रोग्राम करवाया था दिल्ली में, जिसमें जो टाइटल ही था मिथ एंड रियलिटी ऑफ एम्परर औरंगजेब, और अभी रिसेंटली द प्रिंट वालों ने ऑड्री ट्रस्टी का एक आर्टिकल छापा था, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी वाला, औरंगजेब प्रोटेक्टेड मोर हिंदू टेम्पल्स एंड इट डिस्ट्रॉयड सेज हिस्टोरियन ऑड्री ट्रस्टी। तो मुझे इसमें एक ही चीज याद आती है कि अगर उसने बचाया है तो किससे बचा रहा था। तो आपको ध्यान होगा वो एक फिल्म आई थी शोले, तो उसमें जब वो जो डकैत होता है गब्बर सिंह, वो आके बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि अगर कोई गब्बर के ताप से तुम्हें बचा सकता है तो एक ही आदमी खुद गब्बर ही बचा सकता है। जो औरंगजेब था, क्योंकि उसने बाकियों को नहीं तोड़ा, इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि उसने उनको बचा के रखा था। इस तरह की वाहियात बातें वे कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम केवल औरंगजेब वाली, हाँ ये जो ऑड्री ट्रस्की है इसकी खास बात क्या है, ये रिचर्ड ईटन से भी एक कदम आगे निकलती है। ये इसी जो द हिंदू वाला विमर्श चल रहा था उसमें इसने कहा कि रिचर्ड ईटन ने कहा है कि टोटल जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हैं उनकी संख्या 12 कही जा सकती है, और उनके अलग अलग कारण है। और मैं क्योंकि बड़ी अच्छी हिस्टोरियन हूं तो मैंने और ज्यादा इसको स्टडी किया है, तो मैं ये संख्या 15 तक लेके जाती हूँ कि औरंगजेब ने 15 मंदिर तोड़े थे। बहुत ही इनका उपकार है। ये इनकी दयानतदारी का तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना तो कह दिया इन्होंने। तो मैंने जब ये औरंगजेब के अखबारात पढ़ने शुरू किए थे तो उसमें मैंने देखना शुरू किया कि फरमान तो आया ही आया, उसके बाद जो अखबार उसके अपने समय के अखबारात में लिखा हुआ है कि वहां जोधपुर में गए वहां मंदिर तोड़ा, मलराना में गए वहां मंदिर तोड़ा, फिर रेफरेंसेस आते हैं कि जब उदयपुर गए थे तो वहां पर 2 मंदिर तो ये तोड़े और 172 मंदिर जो और आसपास थे वो तोड़े। फिर कई जगह आता है मैनी टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। तो ये मैनी वालों को अगर मैं एक एक भी गिनना शुरू करता हूं ना तो भी इन्हीं अखबारात में से ही वो 200 से आगे नंबर चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये सीताराम गोयल जी की जो पुस्तक है हिंदू टेम्पल्स, इसमें जब वो मारवाड़ में जब जसवंत सिंह जी का देहांत हो गया था, जसवंत सिंह जी के देहांत हो जाने के बाद वो भी वहाँ पे पश्चिमी सीमाओं पर उनकी उनका अवसान हुआ था, और उसके बाद औरंगजेब ने यह तय कर लिया कि मुझे मारवाड़ पे डायरेक्ट कब्जा करना है, और उनके उत्तराधिकारी जो अजीत सिंह जी थे उनको नहीं करके। तो जब जोधपुर पर उसने सीधा शासन कर दिया, उसके बाद एक जिला है मारवाड़ में वह है नागौर। उस नागौर की अकेली लिस्ट है सिर्फ एक जिले की 96 मंदिरों की, 96 टेम्पल सिर्फ अकेले एक जिले में नागौर जिले की है, और ये भी फरमान आने के बाद की है। अच्छा ये भी नहीं है, आप तो उसको तो आप कह सकते हैं कि उदयपुर वगैरह तो राज सिंह जी वगैरह तो उनके शत्रु थे, राज सिंह जी ने मथुरा से लाई हुई मूर्ति श्रीनाथ जी ने सुरक्षित रखी तो सब जानते हैं, यहाँ तक कि आपके जय सिंह जी जो उनके साथ थे उनके एलआई थे उनके यहाँ भी आके अपनी सेनाएं भेज के मंदिर तोड़वाए। या जयपुर के पास में गोनेर एक जगह है, वो गोनेर का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, उसको तोड़ाया, वहां पे संघर्ष भी हुआ, और उसके अलावा आमेर में इधर उधर। आप ये बताइए कि कोई अपने जो सहायक होता है उसके घर में जाके मंदिर तोड़ता है, ये तक काम उसने किए। देखिए जो हमारे ओवैसी जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि साहब कि हम तो फतावा आलमगिरी फॉलो करते हैं, फतावा आलमगिरी का अनुगमन करते हैं, औरंगजेब उनका वली है, और जो भारत में जो कानून लागू है वो फतावा आलमगिरी लागू है सुन्नी मुसलमानों के लिए, और फतावा आलमगिरी में क्या लिखा है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। फतावा आलमगिरी किसने लिखा है
ये हम जानते हैं, वो निज़ाम बुरहानपुरी और उनके डिप्टी थे साहब के शाह अब्दुल रहीम, जो शाह वलीउल्लाह के वालिद थे। तो ऐसे ऐसी महान शख्सियतें हैं जिन्होंने फतावा आलमगीरी लिखा है। उसमें एक अलग चैप्टर है फतावा आलमगीरी में कि काफिर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और उसमें जो भी लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो अखबारात से नीरज अत्री जी बता रहे थे। नीरज जी, और कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ जी, अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने कहा कि वो काफी इनटॉलरेंट नेचर का था कि वो काफिरों से हिंदुओं से घृणा करता था, लेकिन सिर्फ इतना होता ना तो भी थोड़ा सा वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कभी औरंगजेब की, तो वो बाकी के जो मुसलमान थे स्पेशली जो शिया थे उनसे भी बहुत नफरत करता था। और उसका एक इंसिडेंट आता है कि किसी ने उसे एक खंजर भेंट में दिया जिसकी मूठ पे रफीजी कुछ लिखा हुआ था। रफीजी वो बोलता था शियाओं को, मतलब इतनी नफरत थी कि उनको बोलता ही रफीजी था, और क्योंकि खंजर पे लिखा था रफीजी कुछ तो उसे देखते ही बहुत पसंद आया और उसने ऑर्डर दिया कि इस तरह के बहुत सारे और मुझे ला के दो, क्योंकि ये तो मैं लोगों को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह का जो नीच व्यक्ति था उसे ये बिल्कुल सॉफ्ट करके दिखाते हैं। और उस अब हमें समझने की जरूरत यह है कि इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करते हैं इसके अंदर ये, क्योंकि इतनी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। और अब आप पूरे का पूरा जो इनका तामझाम है वो देख लीजिए कि सारे के सारे ये नहीं चाहते कि हिस्ट्री की बुक्स में सच लिखा जा सके। और उसका कारण यही है कि इनकी इंटेंशन ये है कि इस्लाम का जो एक्चुअल चेहरा है, जो असली चेहरा है, वो लोगों को समझ में ना आ जाए। क्योंकि जिस दिन वो समझ में आ गया, हर बच्चा जो हमारे देश के स्कूलों में पढ़ रहा है उसे ये असलियत पता लगेगी, तो उसे अपने आप पे ग्लानी होनी चाहिए, और होगी भी क्योंकि वो नेचुरल साइक रिएक्शन है। और तब ये एन मास कन्वर्शन वापस आ सकते हैं, जिन्हें हम घर वापसी कहते हैं। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है जिसे ये इस पूरे षड्यंत्र से रोकने की कोशिश है। और इसीलिए जो पूरी लेफ्ट लॉबी है, पूरी जिहाद लॉबी है, वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। और जिस तरह की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि सच लोगों को पता चले कि किस तरह के राक्षस थे जिनके समय में यहाँ पर कन्वर्शंस किए गए, और वैसी जैसे लोग जो आज फुदकते हैं इस्लाम के नाम पे, उन्हें भी ये पता हो कि उनके जो पूर्वज थे, उनकी जो नानी पड़नानी रही होंगी बेचारी, उनको किस तरह से रेप करके तलवार के दम पे या जिजिया के डर से कन्वर्ट किया गया था। अगर ये सच आम लोगों को पता लग गया तो ना तो वैसी जैसों की दुकान चलेगी, ना जितने मुल्ला मौलवियां जो जिन्हें आप AMM क्लास आपने अच्छा नाम दिया है, उन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, और जो हमारे देश में सच में शांति आना शुरू हो जाएगी, जो ये नहीं होने देना चाहते। और इसलिए इस तरह की डिस्कशंस बार बार होनी चाहिए, हर मंच पे होनी चाहिए।